सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं ये कोई आम कुर्सी नहीं बल्कि ये कुर्सी है जिस पर बैठने के बाद एक आम आदमी शहर का नगर पिता बन जाता है, यानी शहर निवासियों के लिए खास हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस कुर्सी पर ही बैठकर उक्त व्यक्ति को शहर के हितों व विकास के लिए बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आज हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल यानी सोमवार को इस खाली पड़ी कुर्सी को एक नया प्रधान मिलने वाला है। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को सुबह लगभग 10:30 बजे सभी पार्षदों की बैठक में वार्ड नंबर 9 से नए चुने गए पार्षद श्री नरेंद्र शास्त्री को राजपुरा के SDM श्री संजीव कुमार शपथ दिलाएंगे। उसके तुरंत बाद ही नगर कौंसिल प्रधान पद का चुनाव होना है। यहां हम आपको बता दें न्यूज 89 के सूत्र इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर रहे हैं कि कल यानी सोमवार को वार्ड नंबर 9 से पार्षद का चुनाव जीतकर आए ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री का नगर कौंसिल का प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर बात की जाए विपक्षी पार्टी की तो इस बात का एहसास कहीं न कहीं उनको भी है कि अब नरेंद्र शास्त्री को प्रधान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी कारण पिछले लगभग 2 दिनों से विपक्षी पार्टी के कुछ पार्षद बैठ के कर इस जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं किसी न किसी तरीके नरेंद्र शास्त्री को प्रधान बनने से रोका जाए, जो शायद कहीं न कहीं उनकी गलत फहमी भी मानी जा रही है। ऐसा क्यों तो हम आपको बता दें कि पिछले समय में नगर कौंसिल पर राज करने वालों ने शहर का कम और अपने आप का पूरी तरह से विकास किया है और शहर निवासियों से भी ये बात छुपी नहीं है और अब बात विकास की है और शहर में चर्चा का बाजार भी गर्म है और विपक्षी पार्टी के कुछ पार्षदों को इस बात का पूरा एहसास है कि उनकी सरकार के समय में भी उनके वार्ड में नाम मात्र विकास हुए हैं, इसलिए वो भी यही चाहते हैं कि नगर कौंसिल का प्रधान ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो पार्टी से ऊपर उठकर शहर का विकास करवाए ना कि अपने आप का। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे सूत्र ये दावा क्यों कर रहे हैं कि कल नरेंद्र शास्त्री ही नगर कौंसिल के प्रधान होंगे। पहले हम बात कर रहे थे सूत्रों से, अब बात करते हैं नगर कौंसिल के आंकड़ों के मुताबिक। जैसे कि आपको पता ही है कि नगर कौंसिल के पास शहर में कुल 29 वार्ड हैं, यानी 29 पार्षद, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के पास कुल 14 व 2 विधायक जिनमें सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व श्री मदन लाल जलालपुर, इन 2 वोटरों की भी वोटें मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पास कुल 16 वोट हैं। अगर बात की जाए अकाली दल भाजपा गठबंधन की तो उनके पास कुल 15 पार्षद हैं, यानी 15 वोटें। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अभी भी कोई शक है नरेंद्र शास्त्री के प्रधान बनने में। अगर बात की जाए श्री नरेंद्र शास्त्री की तो आपको बताना जरूरी है कि नरेंद्र शास्त्री 1998 से लेकर 2008 तक 2 बार लगातार नगर कौंसिल के पार्षद रह चुके हैं और राजपुरा के हरमन प्यारे विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज का आशीर्वाद और जगदीश कुमार जग्गा जैसे दोस्तों का साथ उन्हें इस बार प्रधान पद की कुर्सी पर बिठाकर ही रहेगा। इस बात का अंदाजा आप इस समारोह में खुलकर बोलते विधायक जी की जुबानी भी सुन लें, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की सभा में आज श्री नरेंद्र शास्त्री को प्रधान बनाने का ऐलान कर दिया। तो सुनिए विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज क्या कह रहे हैं। कल का जिहड़ा भोले शंकर जी का दिन है, रब मेहर करेगा अते पूरी शहर की बागडोर कल नूं असीं सारे मिल के म्युनिसिपल कौंसल का प्रधान नरेंद्र शास्त्री जी नूं बना जा रहे हैं। अगर हम नरेंद्र शास्त्री के बारे में आगे बात करें तो वह पार्टी के वफादार सिपाहियों की लाइन में सबसे आगे हैं। चाहे अकाली दल भाजपा के पास आज भी 15 पार्षदों की टीम है मगर इसके बावजूद भी अकाली भाजपा पार्टी यह प्रधान पद की कुर्सी को बिना मुकाबले के कांग्रेस पार्टी को देने में गुरेज कर रही है। हम आपको बता दें कि अकाली भाजपा का गुरेज करना कहीं ना कहीं ठीक भी है क्योंकि उन्होंने भी काफी लंबे समय नगर कौंसिल पर राज किया है, ऐसा करने से पार्टी की इमेज पर फर्क पड़ता है। यहाँ जिक्र योग है कि पिछले दिनों वार्ड नंबर 9 में हुए उपचुनावों में हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने वार्ड नंबर 9 के वोटरों से ये वायदा भी किया था कि आप शास्त्री को यहाँ से जिताओ वह नगर कौंसिल का प्रधान नरेंद्र शास्त्री को ही बनाएंगे, और विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी का अब वो वायदा जो वार्ड नंबर 9 के वोटरों से किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है क्योंकि कल जो प्रधान पद का चुनाव होना है उसे शहर निवासी व सभी पार्टियों के पार्षद चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के हों या विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं शहर के विकास को देखते हुए ही प्रधान का चुनाव करेंगे, इसलिए राजपुरा शहर निवासियों ने नरेंद्र शास्त्री को आज से ही नगर पिता मानना शुरू कर दिया है। राजपुरा से स्पेशल स्टोरी के लिए संपादक संदीप चौधरी न्यूज 89।
सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।